नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में 24 दोषी, 36 बरी। गुजरात में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े गुलबर्ग सोसाइटी मामले में अपना आज फैसला सुनाते हुए 24 आरोपियों को दोषी करार दिया तथा 36 अन्य को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में भीड़ ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों को मार डाला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित SIT के विशेष अदालत के जज PB देसाई ने 24 दोषियों में से 11 को हत्या और अन्य आरोपों तथा 13 को दंगा करने का दोषी ठहराया है। अदालत 6 जून को दोषियों की सजा की अवधि के बारे में फैसला सुनाएगी। दोषमुक्त होने वालों में भाजपा के तत्कालीन पार्षद विपिन पटेल तथा मेघाणी नगर के पुलिस इंस्पेक्टर KG एरडा भी शामिल हैं। ओमपुरी ने सोनिया पर साधा निशाना, मोदी को सराहा। फिल्म अभिनेता ओमपुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बेटे और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आगे बढ़ाने को लेकर निशाना साधा है। किसानों पर आधारित फिल्म प्रोजेक्ट मराठवाड़ के प्रचार के लिए आए ओमपुरी ने कहा कि मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि अब तक भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों के कार्यकाल में सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन काम करने की गति काफी धीमी है। उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात में हमारे पास मोदी जी की गोद में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बाकी गोद हमने देख लिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए ओमपुरी ने कहा कि वो अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें गांधी की उम्र और तजुर्बे को देखना चाहिए। वे जो बोलते हैं, जिस तरह बोलते हैं, उसे सुनना चाहिए। श्रीमती गांधी ने देश को बेवकूफ समझ रखा है क्या? अब परिवार के साथ रह सकेंगे BSF जवान। सीमा सुरक्षा बल के नवविवाहित जवान अब सीमा चौकियों पर अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। बल ने जैसलमेर के अपर और दक्षिण दोनों सेक्टरों में जवानों से इससे संबंधित आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। सीमा सुरक्षा बल दक्षिण सेक्टर जैसलमेर के उप महानिरीक्षक AH रिजवी ने बताया कि नवविवाहित जवानों को परिवार के साथ रहने की अनुमति मिलने से वे चिंता और तनाव से मुक्त होकर सीमाओं की चौकसी कर सकेंगे। बल अपने जवानों को अधिकाधिक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाता है। इसी कड़ी में ये प्रयोग किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आबादी क्षेत्र की चौकियों में सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद है, यहाँ जवान अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। परमाणु रिएक्टरों के लिए समझौता वार्ता अंतिम चरण में। भारत के लिए 6 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए अमेरिका का कंपनी तोविना कॉरपोरेशन वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक के साथ चल रही समझौता वार्ता अब अपने अंतिम चरण में है, और अब मसला केवल रिएक्टरों की कीमतों तथा उसके भुगतान का शेष रह गया है। ये जानकारी भारत के अमेरिका स्थित राजदूत अरुण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले सप्ताह की वॉशिंगटन यात्रा से पहले दी। भारत तथा अमेरिका के बीच 2008 से असैन्य परमाणु समझौते के बाद रिएक्टरों की खरीद का ये पहला समझौता होगा। अमेरिका की ये कंपनी 6 AP-1000 परमाणु रिएक्टर बनाएगी। इन रिएक्टरों के निर्माण का समझौता प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान की मुख्य उपलब्धि होगी। अमेरिका में बनने वाले परमाणु रिएक्टर आंध्र प्रदेश में लगाए जाएंगे। घोड़ा डोंगरी उपचुनाव में लहराया भाजपा का परचम। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के मंगल सिंह ध्रुवे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रताप सिंह उइके को 13,182 मतों से पराजित करके इस सीट पर पार्टी का कब्जा बरकरार रखा। ध्रुवे को 82,304 और उइके को 69,122 मत प्राप्त हुए। शेष 5 प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। भाजपा ने इस सीट पर वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 8,000 मतों से विजय दर्ज कराई थी। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित इस सीट से भाजपा विधायक सज्जन सिंह उइके के निधन के कारण यहां पर उपचुनाव कराया गया। मतदान 13 मई को हुआ था। इस दौरान कुल 1,63,300 से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले थे। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।